हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पायलट एसक्यूपी में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहले बात करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए जो बात करने वाले हैं, पहला होता है आइडियल फ्लूइड। इसको हम बोलते हैं आदर्श द्रव। तो ये क्या होता है, इसको अगर डिफाइन करें तो ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस। इनकम्प्रेसिबल मीन्स होता है कि अगर हम कोई लिक्विड है उसको अगर हम कंप्रेस करें, दबाने की कोशिश करें, तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी विस्थापन या कोई चेंजेज ना हो, तो उसको बोलते हैं हम इनकम्प्रेसिबल। और नॉन विस्कस क्या होता है, जिसमें कोई भी श्यानता ना हो, उसमें हम जितना फोर्स लगाएं उसमें कोई डिफार्मेशन ना हो, उसका लेयर में कोई डिफार्मेशन ना हो, तो उसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। वहीं बात करें रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड वो होती है जिनके पास विस्कोसिटी होती है। आजकल हम अगल बगल अपने चारों तरफ जितने भी फ्लूइड देखते हैं, जितने भी द्रव देखते हैं, वो क्या होती हैं, रियल फ्लूइड होते हैं। अब बात आती है थर्ड में, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जो न्यूटन्स लॉ का, अब क्या करते हैं, ओवे जो न्यूटन्स लॉ का पालन करते हैं। न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, मतलब जैसे हम इसमें फोर्स लगाएं, सीयर स्ट्रेस लगाएं, उसके वेलोसिटी में दूरी के हिसाब से चेंजेज होने स्टार्ट हो जाएं, तो होती है हमारे न्यूटनियन फ्लूइड। न्यूटनियन फ्लूइड में अगर हम बात करें, जैसे हो जाता है हमारा वाटर, वाटर हमारा क्या है, न्यूटनियन फ्लूइड है। क्या हो जाएगा, एयर, गैसोलीन। गैसोलीन वो होती है जो हम बात करते हैं पेट्रोल की, अधिकतर इसी टर्म में हम गैसोलीन यूज करते हैं, तो ये हमारे क्या हैं, न्यूटनियन फ्लूइड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूटनियन फ्लूइड क्या होते हैं। वहीं आगे बात करें तो आता है हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, वो फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ का फॉलो नहीं करते। जब भी हमने बात किया टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, अगर इसका पालन नहीं करते हैं तो हमारे आते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में। वहीं पे एक और फ्लूइड है जो बहुत रेयरली केस में और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो हमारा सीयर स्ट्रेस होता है, वो जो यील्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू है उससे भी अधिक होती है, तो इसको हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड को बोलते हैं। एक चीज़ और बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बिंघम प्लास्टिक, इसको बोलते हैं बिंघम प्लास्टिक। ये क्या होती है, अभी हम आपको एक ग्राफ की सहायता से देखेंगे। पहले इसमें बात कर लें आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में कौन कौन से मैटर है, कौन कौन से फ्लूइड आते हैं। जैसे आपने डेली लाइफ में देखा होगा टूथपेस्ट, आप समझ सकते हैं यील्ड वैल्यू क्या होता है, अभी आप समझा सकते हैं, आपको ग्राफ के थ्रू समझाएंगे। तो जो टूथपेस्ट होता है वो तो हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। अगर और बात करें तो जीवेज, जो सीवेज स्लज होता है, सीवेज जो स्लज होता है वो भी हमारा होता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। और एक चीज़ बात करें, जो जेल होता है, नाम सुना होगा जेल, ये भी हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में आता है। और ड्रिलिंग मड, आप देखो जब कहीं ड्रिल करते हैं तो उसमें एक मड निकलता है, कीचड़ निकलता है, वो भी हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड होता है। तो अब इतने एग्जांपल हैं क्या, टूथपेस्ट, सीवेज स्लज, जेल, ड्रिलिंग मड। आइए अब इसको हम सभी फ्लूइड को एक ग्राफ की सहायता से समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट है ग्राफ ही अधिकतर आता है, पूछ लेता है ये ग्राफ किस फ्लूइड को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमने एक फ्लैट दिया, ग्राफ दिया है, इस तरफ क्या है हमारा सीयर स्ट्रेस क्या है, टाऊ है, इस तरफ इलास्टिक ग्रेडियंट डी यू अपान डी वाई। हमने विस्कोसिटी में बहुत तरीके से बात किया कि इलास्टिक ग्रेडियंट होता क्या है, मतलब कि जैसे जो लेयर वाइज होते हैं, अगर इसमें जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, अगर इनके इलास्टिक में कोई चेंज आ रहा है तो उसको बोलते हैं इलास्टिक ग्रेडियंट, और ये हमारा होता है डी वाई, और जो इलास्टिक चेंज होती है हमारी डी यू, तो इस रेशियो को बोलते हैं इलास्टिक ग्रेडियंट। तो बात करते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड वो है, मान लीजिए हम कुछ पे सी स्ट्रेस का होता है, फोर्स अपान एरिया, कोई एरिया होता है उसमें फोर्स लगाते हैं तो हमारा क्या आता है सीयर स्ट्रेस, मतलब कि अगर हम उसमें फोर्स ना भी लगाएं तब भी क्या हो, उसमें इलास्टिक ग्रेडियंट, जो इलास्टिक हो, जो फ्लूइड हो, वो फ्लो होने लगे, तो उसको बोलते हैं हम आइडियल फ्लूइड। लेकिन वहीं पे न्यूटनियन फ्लूइड क्या बोलता है, जैसे जैसे आप स्ट्रेस, जैसे जैसे आप फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे, उसी तरह उसी अनुपात में हमारा जो फ्लो होगा उसी अनुपात में बढ़ता चला जाएगा, तो होता है हमारा न्यूटनियन फ्लूइड। सीयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली क्या है, ये देखो लीनियरली चेंज हो रहा है, तो बोलते हैं हमारा इलास्टिक ग्रेडियंट। बात करते हैं नॉन न्यूटनियन फ्लूइड क्या होता है, जो न्यूटन लॉ का फॉलो ना करे। जैसे देखिए ये वाला फॉलो कर रहा था, जैसे चेंज होता चला जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोई भी एक फिक्स प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये हमारा होता है नॉन न्यूटनियन फ्लूइड का।
वहीं बात करें आइडियल प्लास्टिक फ्लूड, जिसको आप हम आज पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए इसको हमें याद करना जरूरी होता है। देखिए ये क्या है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूड को हम बोलते हैं हम क्या, एक बार अभी नाम बताए, बिंघम प्लास्टिक। क्या होता है बिंघम प्लास्टिक, ये के देखिए यहाँ पे जो अभी तक फ्लूड की यहीं पे देखिए यहीं पे इसका डिफार्मेशन स्टार्ट हो गया था, इलास्टिक ग्रेडियंट स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसमें क्या हुआ, हमको स्टार्टिंग में थोड़ा और फोर्स लगाना पड़ा, उसके बाद यह क्या हुआ, इसका इलास्टिक या कहें तो ये न्यूटन लॉ को फॉलो करना स्टार्ट किया, तो ये होता हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूड। तो आप इस ग्राफ को समझे समझ सकते हैं। अगर हम आपको एक बार रिवाइज करवाएं तो हम बात करते हैं आइडियल फ्लूड, तो ये होता है इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस। अगर बात करें तो यहाँ पर केवल इमेजिन है, ये हम इसको केवल इमेजिन करके चलते हैं, ये क्या है कि इमेजिनरी फ्लूड है। वहीं रियल फ्लूड में बात करें तो हमारे जो ऑल फ्लूड आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रियल फ्लूड होते हैं। वहीं अगर बात करें न्यूटोनियन फ्लो तो वो होते हैं जो सीयर जो न्यूटन लॉ का फॉलो करें, न्यूटोनियन फ्लूड होते हैं जो न्यूटन लॉ का फॉलो नहीं करते। आइडियल प्लास्टिक फ्लूड होती है जिनकी सीयर स्ट्रेस वैल्यू उनकी यील्ड वैल्यू से इस वैल्यू से क्या होती है, अधिक होती होती हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूड। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें, ताकि सभी आपके दोस्तों को जो पॉलिटेक्निक पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तरीके से ये समझ में आए और उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू।